अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। आखिर क्यों नहीं बन रही थी दंगल 2? और क्या नहीं होगा फिल्म में इस बार कोई भी ऑथेंटिक रेसलिंग सीन? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियो। दैट्स राइट। देखिए, मुझे लगता है कि दंगल के सीक्वल का इंतजार फैंस तब से कर रहे हैं जब से वो दंगल का क्लाइमेक्स देखकर हटे ही होंगे। जी हाँ, दंगल थी ही इतनी हिट मूवी, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि शायद दंगल का सीक्वल कभी नहीं बनेगा। पर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म इतनी हिट रही कि अब मेकर्स ने सोचा है इस फिल्म के सीक्वल को लाने का। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे दंगल ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बनाए भी, जिसके चलते इस फिल्म का सीक्वल बनाना या कुछ इस फिल्म से रिलेटेड बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेकर्स के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों भाई, ऐसी क्या बड़ी बात है? तो मैं आपको बताती हूँ ना। पहली वजह तो ये है कि फिल्म से लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है फैंस की। जी हाँ, वो स्कूल टाइम में कहते थे ना, जब एक बच्चा फर्स्ट आ रहा होता था तो टीचर्स और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती थी उससे। वहीं वो गलती से सेकंड आ जाता था तो भाई सत्यानाश हो जाता था और फूट फूट कर वो बच्चा भी रोने लगता था। अब आप उस बच्चे को समझ लीजिए मूवी दंगल, और साथ ही साथ पेरेंट्स और टीचर्स को समझ लीजिए फैंस। जी हाँ, अगर किसी वजह से फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे ये मूवी खरी नहीं उतर पाती है तो फिल्म को करना पड़ सकता है जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना। बस इसी वजह से मेकर्स थोड़े से डरे हुए थे, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर फिल्म में मिस्टर परफेक्शनिस्ट खुद शामिल है तो सोचिए ना कि फिल्म की एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, अब अगर मैं बात करूं दूसरी वजह की, तो दूसरी वजह है फिल्म की हेवी कास्टिंग। जी हाँ, इस बार फिल्म में सिर्फ गीता बबीता को ही नहीं बल्कि पूरी फोगाट सिस्टर्स को दिखाया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि लगभग 6 सुपरस्टार्स चाहिए हमें इस मूवी के लिए। इतनी बड़ी कास्ट को रेसलिंग सिखाना, इतनी बड़ी कास्ट की स्टोरीज को अलग अलग एक साथ कंबाइन करके दिखाना, ये तो थोड़ा मिशन इम्पॉसिबल जैसा सा सीन लग रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा भी गीता बबीता के लव इंटरेस्ट, जो कि खुद एक रेसलर्स हैं, उनको भी शायद मूवी में दिखाया जाए। अब आप ही सोचिए ना, हर एक इंसान को प्रोफेशनल तरीके से रेसलिंग सिखाना कितना मुश्किल हो जाता है मेकर्स के लिए, जिसकी वजह से ये देखना होगा कि हमें मूवी में क्या देखने को मिलेगा, एक ऑथेंटिक रेसलिंग सीन, या फिर काम चला देंगे मेकर्स इस बार कुछ ऐसा वैसा करके। खैर, आपको मैं ये भी बता दूं कि 1.5 मिनट के रोल के लिए सानिया मल्होत्रा ने पूरे 6 महीने लगातार रेसलिंग की ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, और तभी वो कर पाई थी इस रोल को इतने अच्छे से। अब देखना यही होगा कि बाकी की स्टार कास्ट जो अभी कास्ट की जा रही है दंगल 2 में, वो भी इतना ही लेवल का डेडिकेशन दिखा पाती है या नहीं। खैर, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।